हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीएफ पासबुक डाउनलोड करने के दो तरीके जो आप एंड्रॉयड मोबाइल से कर सकते हैं चाहे अपने डेस्कटॉप से कर सकते हैं। तो जो लोगों को नहीं पता है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया, हालांकि इस तरीके के वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। तो सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूँ, ये EPFO इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आवर सर्विसेज में जाना है, फिर यहाँ पर फॉर एम्प्लॉइज़ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दूसरा पेज एक ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको मेंबर पासबुक का ऑप्शन दिखेगा, मेंबर पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना UN नंबर डाल देना है और नीचे UN का जो पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपने अभी अभी UN एक्टिवेट किया है या तो फिर अपना UN नंबर में पासवर्ड चेंज किया है तो उसके 6 घंटे बाद ही आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा आपकी पासबुक। तो यहाँ पर आप फिर जो है कैप्चा कोड डाल दीजिए, ये जो इमेज में दिख रहा है इस तरीके से। तो कैप्चा कोड डाल देने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपकी मेंबर आईडी शो हो जाएगी, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डाउनलोड होने लग जाएगी। तो देखिए डाउनलोड हो गया है और इस तरीके से PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पर दिख जाएगी आपकी पासबुक। चलिए दोस्तों अब दूसरा तरीका बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो तरीका वो है कि उमंग ऐप आप डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर कर लीजिए, ये ऑफिशियल ऐप है EPFO के लिए भी, तो इसमें बाकी सरकारी कामकाज भी होते हैं। तो उमंग ऐप में रजिस्टर कर लेने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो EPFO का एक सर्विस दिखेगा, यहाँ पर आपको EPFO में सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विसेज इस पर क्लिक कर दीजिए सबसे पहले नंबर वाले में, और आपको यहाँ पर व्यू पासबुक पे क्लिक करना है। अगर आप ऑनलाइन क्लेम करना चाहते हैं तो राइस क्लेम में कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं क्लेम स्टेटस। तो चलिए व्यू पासबुक में क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपको अपना UN नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। तो आपके UN में रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल है उसमें एक OTP आएगा, तो उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो देखिए हमारे पास OTP आ चुका है। तो OTP को एंटर कर देने के बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी मेंबर आईडी शो हो जाएगी, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी पासबुक यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस तरीके से मंथली कंट्रीब्यूशन आपको दिखा दी जाएगी, और चाहें तो आप यहाँ से नीचे डाउनलोड पे क्लिक करके आपकी पासबुक डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए ये डाउनलोड हो चुका है, तो आप इसे फिर WPS ऑफिस या तो फिर PDF रीडर से देख सकते हैं इस तरीके से। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।